वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेटिंग एप्स या फिर सट्टेबाजी वाले एप्स, इनका जो असर होता है माइंड पर आपके और साथ ही साथ आपके बैंक बैलेंस पर क्या असर होता है वो देखने वाले हैं और कैसे आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है वो सब देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बेटिंग एप्स का इस्तेमाल करना कोई खेल नहीं है, ये एक ट्रैप है। अब कैसा ट्रैप है यार, ये ऐसा ट्रैप है जिसमें आपको लालच दिया जाता है कि आप इसे खेलें और पैसे एक का डबल करें। अरे फिर हेरा फेरी देखा ना आपने, तो वही चीज आपके साथ भी हो रहा है या फिर हो सकता है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। सट्टा मटका का नाम सुना होगा आपने, अरे अरबपति बन गए वो, लेकिन लोगों को क्या मिला, ठेंगा नहीं मिलता है यार। मतलब कि लोग सिर्फ 150,000, एक इलाके में किसी का अगर 50,000 निकल गया तो लोग सोचते हैं कि अरे भाई निकलता है, तो यार जैसे लॉटरी है ना के 1,000 लोगों ने टिकट खरीदा और निकला, वो भी एक लालच वाला स्कैम चल रहा है। और साथ ही साथ सट्टेबाजी कि ये टीम जीतेगी या फिर ये टीम जीतेगी, बहुत सारी चीज़ है, फुटबॉल दिस दैट फलाना हमकाना सब चीज़ में एकदम बेटिंग होता है। बेट 365 में भी बेटिंग होता है एंड सट्टा मटका और कुछ है यार और भी प्लेटफॉर्म से, पता नहीं खेलो यार वगैरह दिस दैट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं अभी। ऐड लगातार इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते जाएंगे ऐड दिखता जाएगा। तो जो भी बेटिंग ऐप है जिसमें डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कौन जीतेगा ऑड्स के बेसिस पर, अरे भाई इंडिया पाकिस्तान मैच है, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान, इंडिया पर लगाया आपने एक का डबल होने का चांस है आपका, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सट्टेबाजी का गेम चल रहा है जिसमें लोग फंस रहे हैं। तो सट्टेबाजी इज नॉट अ गेम, इट्स अ ट्रैप। दोस्तों बेटिंग ऐप का यूज करने से आपके माइंडसेट पे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैड इफेक्ट पड़ता है। ये कैसा बैड इफेक्ट होता है, आपका माइंड हर बार जीतने का सोचता है और हारने पर डिप्रेशन का शिकार होते हैं आप। मतलब कि हारने पर आपका माइंड लगेगा ऐसा जैसे स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, लगेगा कि अरे भाई 200 रुपये हार गया मैं, चलो एक बार फिर से खेलता हूँ, हो सकता है वो रिकवर कर लूँ, और फिर से हार जाएंगे तो फिर इसी तरह से वो सिलसिला चलता रहेगा। एक आध बार जीत भी जाएंगे तो लगेगा कि हाँ भाई रिकवर तो हो रहा है, लेकिन वही हारने का सिलसिला आपके बैंक बैलेंस को भी खाली कर सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं। तो अगर आपका पैसा जाएगा अगर आप हारेंगे तो आप किस चीज़ का शिकार होंगे, डिप्रेशन का, और डिप्रेशन का शिकार होंगे तो फिर जरूर आपका माइंड अनहेल्दी हो जाएगा यार। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है दोस्त। अब अगला फाइनेंशियल इम्पैक्ट, आपके बैंक बैलेंस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरावट आ सकती है। ये कैसे हो सकता है, आपको लगेगा कि अरे भाई मैं तो 150-500 का ही खेल रहा हूँ, ये कैसे गिरावट होगा। तो चलो एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपये का बेटिंग किया, आप जीत गए, 1,000 आपको मिल गया यार, मतलब कि आपको लगा 500 जीत गया। अब अगली बार खेला आपने, अगली बार भी जीत गए, 1,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अब उसके अगली बार खेला आपने और हुआ ये कि आप हार गए, तो लगेगा कि अभी भी 500 प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, तो फिर से लगाएंगे आप, और क्या होगा, फिर से हार जाएंगे। अब होगा, अब क्या होगा कि आप बैलेंस 0-0 पर आ गए, मतलब कि ना जीत में है ना हार में, तो अब लगेगा कि अरे भाई कुछ हुआ नहीं, तो फिर से लगाएंगे। एंड इस बार अगर हार गए तो लगेगा कि अरे यार पॉकेट से 500 चला गया, तो इसको रिकवर करना पड़ेगा, चलो रिकवर तो हो जाएगा, तो फिर से आप लगाएंगे 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 लगाएंगे। फाइनेंशियल इंपैक्ट बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आपका बैंक बैलेंस नीचे आ सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों अगला सेगमेंट है इनका ट्रिक्स एंड ट्रैप। जी हाँ, ट्रिक्स क्या है उनका कि आपको बोनसेस देते हैं कि आप ज्वाइन करें, आपको बोनस मिल रहा है दोस्तों, 1,000 का बोनस, 100 का बोनस, 500 का बोनस। बोनस को आप विड्रॉ कर नहीं सकेंगे तो आप क्या करेंगे, खेलेंगे, खेलते 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 आपको उसमें लत लगाने का वो ट्रिक है। इसे ये मत समझो कि उसके बोनस से खेल करके आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा घंटा नहीं होता है। आप उसके बोनस को लुटा भी देंगे, अपने बैलेंस को भी लुटाएंगे, शायद कभी आप जीत गए लेकिन आने वाले हार को जब आप फेस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका माइंड स्ट्रेसफुल हो गया, अनहेल्दी हो जाएंगे आप मेंटली तौर पर, प्रोडक्टिविटी आपका कम जाएगा यार, आप अदर स्किल्स को डेवलप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा पैसा इधर चला गया है यार, इसको कैसे रिकवर करना है, सट्टे में लग गए, आप एक सट्टेरी बन जाएंगे यार, तो लोग भी आपको कुछ भी कह सकते हैं और साथ ही साथ आपके माइंड पर बहुत ही गहरा अनहेल्दी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं अगेन अवेयर कर रहा हूँ कि भाई साहब सट्टेबाजी में ना पढ़ो, अगर फिर भी आपको लगता है कि पढ़ेंगे तो बहुत सारी सावधानियाँ बरत के पढ़ना, That is called responsible gaming. अगर आपको मेरी बातों से ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं सट्टा करूं या ना करूं, जबकि डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि भाई ये सट्टेबाजी बेटिंग वगैरह एकदम झोल है, एकदम खतरनाक किस्म का, जो चला रहे हैं ना वो अरबपति बन रहे हैं, वो दुबई में शादी कर रहे हैं भाई साहब, हजारों सेलिब्रिटी को बुला करके, लेकिन आपका पैसा सिर्फ जा रहा है, साथ ही साथ आपका टाइम, आपका माइंडसेट, आपका स्ट्रेस यार सब कुछ जा नहीं रहा, आ रहा स्ट्रेस वगैरह आ रहा है।
एंड आप अपने फैमिली को वक्त नहीं सही दे पाएंगे, आप घूमने नहीं जा पाएंगे, आप स्किल्स नहीं डेवलप कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम सब कुछ इम्पैक्टेड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सट्टे के स्ट्रेस से। तो अगर आपको लत लग रहा है भाई साहब, तो ये लत छोड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप खेलना ही चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल गेम करें और अपने कैपिटल, अपने टोटल पैसे का एकदम छोटा सा हिस्सा, अगर आप समझ ही नहीं रहे आप कि आपको छोड़ना है या फिर नहीं, और आपको लगता है कि मुझे खेलना ही है, तो एकदम रिस्पॉन्सिबल बन करके एकदम छोटा सा हिस्सा लगाएं। अगर हार गए तो छोड़ दें, कम से कम ये चीज़ करें आप, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को खेलना ही है। वैसे मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा ये सट्टेबाजी वगैरह, दिस दैट, बिल्कुल ही ट्रैप है, इसमें क्यों आप लोग फंसते हैं मुझे समझ नहीं आता। अरे भाई, कोई भी शॉर्टकट सही नहीं होता यार। शॉर्टकट ऑफ गेनिंग मनी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट कैन ओनली हार्म यू मेंटली और इम्पैक्ट यू। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी प्रूव हो रही है, तो आपको मैं यही घुमा फिरा के कहूँगा कि आप इन सब एक का डबल वाले के चक्कर में फिर हेरा फेरी वाले मूवियों का सीन नहीं करवा देना भाई साहब, ठीक है। तो बेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं या करने का सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सोचें कि करें या फिर ना करें। अपने पैसे और दिमाग दोनों का ख्याल रखें, और अपने परिवार का भी ख्याल रखें, आने वाले पीढ़ी का भी ख्याल रखें, ये नहीं कि आप सट्टेबाज बन करके लूट जाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कचरे कंटेंट को सब शेयर कर करके साले लोग को उरूज पर पहुंचा रहे हैं लोग, जो कि डिजर्व नहीं करते हैं, जो कि न्यूडिटी फैला रहे हैं। लेकिन इधर जब जानकारी मिल रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में।